हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑफ टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम WDS की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हमने ये जाना था कि किस WDS क्या होता है और WDS के रोल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। तो देखिए, इसके लिए हमें सर्वर मैनेजर पर आना होगा। ये हमारा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन हो गया है और उसके बाद हमें यहाँ पे टूल्स पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे WDS को फाइंड करना। तो ये देखिए, हमारा WDS है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। तो इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा WDS का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर नेम और मेरा डोमेन नेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर सर्वर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ सर्विसेज हैं जिसके बारे में हमने पहले भी जाना था कि WDS को कॉन्फ़िगर करने से पहले ये सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसको, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। उसका देखिए, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि ये जो WDS सर्वर ही है, स्टैंड अलोन क्रिएट करना है या फिर हमें एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट करना है। मेरे इसी PC के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो रखा है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखूँगा। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो मैं स्टैंड अलोन को सिलेक्ट करता। तो इसी को रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ना पाथ बताना है जो हमने न्यू वॉल्यूम क्रिएट किया था, ब्लैंक ड्राइव जो हमने क्रिएट करी थी उसका पाथ हमें यहाँ बताना होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास जो न्यू वॉल्यूम है ई ड्राइव, तो ये मेरा यहाँ पे पूरा एम्प्टी है। इसके अंदर कोई और फाइल होनी नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल खाली रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे आप उस ड्राइव का पाथ दे देंगे। तो मेरे उस ड्राइव का पाथ ई था, तो अब यहाँ पे ई कर देता हूँ इसको, ठीक है। जो हमारी इमेज फाइल थी वो इसी में स्टोर होंगी। और ये यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है DHCP को लेके। अगर मेरे इसी सर्वर मशीन के ऊपर DHCP भी कॉन्फ़िगर्ड है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट रखूँगा। अगर मेरा DHCP सर्वर कोई और है तो मैं नीचे वाले को सिलेक्ट, ऊपर वाले को सिलेक्ट रखूँगा सिर्फ। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अपने WDS के लिए करना है कि वो किस किस को रिस्पॉन्स देगा वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स नोन और अननोन क्लाइंट दोनों के लिए कर लेते हैं और इसको भी चेक कर देते हैं, ताकि जब क्लाइंट कोई भी एक्सेस करेगा तो वहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड मांगेगा। तो नेक्स्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोग्रेस बार टाइम लेगा, कुछ सेकेंड्स का। तो देखिए, कंप्लीट हो गया और ये कह रहा है एक्टिव करने के लिए। तो ये WDS सर्वर जो हमने अभी किया है, अभी जब तक इसको हम एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करता है। तो इसको हम एक्टिव भी कर देते हैं, इसको पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी डिसेबल्ड आ रहा है यहाँ पे। तो इसको एक्टिव करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऑल टास्क में जाएंगे एंड स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये भी हमारी सर्विस स्टार्ट हो रही है। तो ये सक्सेसफुली हो गया हमारा। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, कुछ फोल्डर्स बने हुए आ गए। तो अब हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। अब हमें यहाँ पे इमेज फाइल्स को अपलोड करना होगा। तो हमें दो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे पहले आपको अपने कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव या DVD इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा नाम पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हम इमेज इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम दे सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट नाम भी रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Windows 7, जैसे मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 7 है, उसकी इमेज फाइल है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे Windows 7 लिख देता हूँ। देखिए, आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कैसे होता है वो भी।
अभी यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब यहाँ पे हम ब्राउज़ करेंगे, मतलब जो भी आपने पोर्टेबल पेन ड्राइव लगाई होगी DVD, तो आपको उसको जाकर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं। हमें सोर्स फोल्डर में जाना है, इसको ओपन करेंगे, सोर्स फोल्डर को ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारे पास इंस्टॉल डॉट वीम फाइल आ रही है और बूट डॉट वीम फाइल आ रही है। तो हमें इंस्टॉल डॉट वीम फाइल को सेलेक्ट करना है और उसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो विंडोज 7 के जो भी एडिशन हैं सारे दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसको सबको रखना चाहते हैं तो उसको अनचेक नहीं करेंगे, अगर आप किसी एक को रखना चाहते हैं तो बाकियों को अनचेक कर देंगे, जिसको रखना चाहते हैं इसको चेक रहने देंगे। तो मैं यहाँ पे से विंडोज 7 अल्टीमेट को रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बाकी अगर आप सब रखना चाहते हैं तो सब रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसको फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद हमें बूट इमेजेस पे जाना है, उस पर भी हमें राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हमें ब्राउज करना है, और इस बार हमें बूट डॉट वीम फाइल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। अगेन नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट। देन आप फिनिश कर देंगे इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने विंडोज 7 अल्टीमेट की इमेज फाइल्स को, यहाँ पे हमने बूट फाइल को, जो भी इंस्टॉल करने की फाइल्स है उनको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है, और ये जो फाइल्स हैं ये स्टोर सारी हमने जो ड्राइव बनाई थी उसमें जाके हुई है। और इसके अलावा अगर आप अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चाहते हैं कि इंस्टॉल करें, मतलब एक से ज़्यादा चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस आपको करनी है, इंस्टॉल इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस बार एग्जिस्टिंग नहीं यूज़ करना है, हमें फिर से न्यू करना है क्योंकि हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं। और इस बार जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं हम उसका लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे 16 सर्वर का ले रहा हूँ तो मैं वही लिख लूँगा यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इस बार मैं विंडोज 16 सर्वर की फाइल को सेलेक्ट करूँगा, जो भी मेरे बूटेबल मैंने पेन ड्राइव या DVD जो भी लगाई होंगी उसको, और सेम वैसे ही सोर्स फाइल पे जाना है हमें, और हमें इंस्टॉल डॉट वीम फाइल को सेलेक्ट करना, ओपन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास सर्वर की जो भी एडिशन है वो सब कुछ दिखा रहा है, और मुझे जिसको रखना है उसको सिर्फ चेक रखूँगा और बाकी को मैं अनचेक कर दूँगा। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। यहाँ पे फिनिश कर लेंगे और इस बार बूट डॉट वीम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हमने उस टाइम किया था। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया है, जैसे एक विंडोज 7 कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे एक ट्रॉन 16 सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है। आप ऐसे अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके देखेंगे WDS सर्वर से किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है और किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।